हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर 100 तक, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग 101 से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आपको लगे कि चैनल हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जिस तरह से देख पा रहे हैं आप लोग, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी 1946 को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 102 नंबर क्वेश्चन में। तो आ चुके स्क्रीन पर, इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता से इनमें से कौन सा नहीं? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी अमरावती राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, यानी 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आई हुई है, देख पा रहे आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर, यानी शहरी सभ्यता है था। हड़प्पा सभ्यता क्या था? यानी शहरी सभ्यता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 104 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे आ चुके हैं पूरी तरीके से, और देख पा रहे आप लोग क्या है 104 नंबर क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों की भाषा है, अशोक के अभिलेखों की कौन सी भाषा है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 104 नंबर का, यानी डी नंबर राइट आंसर, यानी प्राकृत राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, और देख पा रहे आप लोग, 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजन पद था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, और देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से क्या है, यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्यों की सेना में कितने पैदल सैनिक थे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 106 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी 600,000 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600,000 थे सैनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुके हैं 107 नंबर क्वेश्चन, अच्छी तरीके से देख भी पा रहे हैं आप लोग, प्रयाग परिस्थिति किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 107 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यानी गुप्त शासन से राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग अच्छे तरीके से, तो क्या है, रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंधित संबंध स्थापित करने का श्रेय है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 नंबर का राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर, यानी कुषाणों को राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुकी है 109 नंबर क्वेश्चन, अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है, आंध्र भोज किस विजयनगर शासक को कहा जाता था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 109 नंबर का राइट आंसर, सी नंबर, यानी कृष्णदेव राय को कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ चुके हैं देख पा रहे आप लोग 110 नंबर क्वेश्चन, भारत में चिश्ती शाखा का प्रवर्तन सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, राइट आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्किप करके देख लेते तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, और देख पा रहे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, तो आ चुकी है 111 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, क्या सूफी मत का फिरदोशी शाखा निम्न में से कहां से सबसे अधिक पनपी? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 111 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी बिहार से पनपी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, अकबर निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विजय करने का सफल नहीं हो सका? तो राइट आंसर की बात करें डी नंबर, सी नंबर, यानी मेवाड़, राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्क्रीन पे, तो आ चुके हैं 113 नंबर क्वेश्चन, क्या है 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुगल प्रशासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण शक्ति नहीं था? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, नहीं 113 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी तुर्क, राइट आंसर तुर्क हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, और अच्छे तरीके से देख पा रहे आप लोग, तो क्या है, किस किले की इमारत मुगल काल में कला की दृष्टि से पराकाष्ठा पर पहुंची? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी लाल किला, राइट आंसर हो जाएगा लाल किला, दिल्ली में है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे आप लोग अच्छे तरीके से, 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? कवित्री थी कौन मुगल शहजादी थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 115 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा, जेबुन्निसा राइट आंसर हो जाएगा। अब 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, और अच्छे तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप लोग, धर्म के वाहन
आडंबर की किस संत ने सबने अधिक आलोचना की? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी नानक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे 117 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत की भक्ति टीका मराठी में लिखा है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 117 नंबर का नहीं डी नंबर राइट आंसर, यानी मानेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में अधिकांशतः किस वस्तु का प्रयोग किया हुआ है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी लाल पत्थर तथा संगमरमर, राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे होंगे आप लोग तो क्या है, महाभारत में श्लेकों की संख्या कितनी है? महाभारत में श्लेकों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो डी नंबर यानी 100,000 श्लेक है, राइट आंसर 100,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। तो 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है, राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 121 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी जातक राइट आंसर हो जाएगा, जातक बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आई भी है, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से क्या है, रिहला नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? रिहला नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 122 नंबर का यानी ए नंबर राइट आंसर यानी इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आई भी है, देख पा रहे आप लोग 127 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर, अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था? अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 123 नंबर का डी नंबर यानी ईरान का रहने वाला था, ठीक है डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है, देख पा रहे आप लोग क्या, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 नंबर का ए नंबर यानी मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर ए नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आ चुके स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग क्या है, अलवार किस देवता में विश्वास करते थे? अलवार किस देवता में विश्वास करते थे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 125 नंबर का श्री नंबर राइट आंसर यानी विष्णु, राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से क्या है, तंजौर के राजेश्वर का मंदिर किसने बनाया? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 126 नंबर का यानी सी नंबर राइट आंसर यानी राजचोल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे 127 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग क्या है, शाहजहां द्वारा बसाई गई राजधानी का नाम क्या था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी शाहजहांबाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग 128 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो है कौन थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर यानी लेखिका थी, राइट आंसर लेखिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग 129 नंबर है, जात का संबंध किससे था? जात का संबंध किससे था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर यानी ओहदा और वेतन, ओहदा और वेतन को कहा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुके हैं 130 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से, स्थापत्य कला का संबंध किससे है? स्थापत्य कला का संबंध किससे है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, सी नंबर राइट आंसर यानी भवन निर्माण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके स्क्रीन पे, देख पा रहे आप लोग 131 नंबर, भारत की पहली रेल लाइन कहां से कहां तक चली थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर यानी मुंबई से थाने के बीच चली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 132 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं करने हैं, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने हैं। तो 132 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 132 नंबर का ए नंबर राइट आंसर सॉरी डी नंबर यानी 13वें अभिलेख में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुके हैं 133 नंबर क्वेश्चन है क्या है, सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 133 नंबर का ए नंबर यानी अशोक के काल में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग 134 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश के द्वारा बना?
तो राइट आंसर की बात करके तो क्या हो जाएगा, यानी 34 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी राष्ट्रकूट के द्वारा बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आई हुई है 135 नंबर क्वेश्चन, क्या है? अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 135 नंबर का, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी अकबर का वर्णन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 136 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है और अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है? गांधी जी ने नमक कानून किस वर्ष भंग किया था? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 136 का सी नंबर राइट आंसर, यानी 1930 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर एक से लेकर 100 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। 137 नंबर क्वेश्चन क्या है? देशी रियासतों की भारत में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 137 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुके हैं देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। 138 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 138 नंबर का डी नंबर, यानी लोथल में मिले थे।